मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ककरोल लाइन होटल के सामने जयनगर दरभंगा जाने वाली मुख्य मार्ग से एक चार चक्का वाहन और एक मोटरसाइकिल पर लदे देसी एवं अंग्रेजी शराब के साथ मोटरसाइकिल चालक को, जबकि चार चक्का वाहन चालक भागने में सफल हो गया। रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। लाइन होटल के पास से दोनों गाड़ी को जब्त किया गया, जिसमें एक चारपहिया कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं मोटरसाइकिल चालक रामनाथ यादव पिता स्वर्गीय वैद्यनाथ यादव साकिन नवरत्न टोल थाना बिस्फी जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर 180 ml के पैक में 192 बोतल, 375 ml के पैक में 72 बोतल देसी नेपाली शराब की कुल 450 बोतल और चोरी की मोटरसाइकिल से 120 बोतल देसी नेपाली शराब बरामद की गई। दोनों वाहन को जब्त करके थाना परिसर लाया गया। मोटरसाइकिल चालक को विधिवत गिरफ्तार कर उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। फरार शराब तस्कर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। जल्द ही शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर SI राहुल कुमार, कंदन वासुकी, विनय शर्मा, ASI राजेश कुमार, नंद कुमार के साथ अन्य पुलिस बल मौजूद थे। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।